हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं ब्रेड और सब्जियों से बने हुए बहुत ही अलग तरीके का नाश्ता। आप इस नाश्ते को लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं या आप ऐसे सुबह के नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अलग तरीके की ब्रेड की रेसिपी है और इसे हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में लगभग 1 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन के साथ ही बारीक कटे हुए प्याज और गाजर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। और हम बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे, इससे ये और भी हेल्दी हो जाता है। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करें। हरी मिर्च की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दें इसी के साथ ही। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करके एक फ्लोइंग सा बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। थोड़ा वाटर ऐड करके स्पून के हाथ से मिक्स करें और फिर वाटर ऐड करें। और तब तक वाटर ऐड करें जब तक इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ना हो जाए। हम वाटर हमेशा थोड़ा थोड़ा करते हुए ही ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको विस्कर के हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी, हम इसको ऐसे बैटर बनाएंगे। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। हमने इसमें लगभग 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है और इसी के साथ ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और लगभग 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत टेस्टी लगेगा। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करें। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर की अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। हल्दी पाउडर हम कलर के लिए यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही ग्रेट किए हुए अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, लगातार मिक्स करते रहने पर पूरे बैटर का कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको तुरंत बना सकते हैं। हम इसको तुरंत बना रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो 2-4 मिनट के लिए रख भी सकते हैं। अब एक नॉनस्टिक के तवे पे ऐसे ऑयल स्प्रेड करेंगे। आप इसे किसी भी तवे पे बना सकते हो। और एक ब्रेड स्लाइस लेके ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इसको ऐसे पलट दें। 1 से 2 मिनट तक सिकेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छी तरह से सिक जाता है। जब तवा बिल्कुल गर्म हो तब ही ब्रेड को ऐड करें और फिर जो हमने बैटर बनाया है उसको ब्रेड के ऊपर ऐसे स्प्रेड करें जितने में ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह से ढक जाए। ये देखिए, पूरे ब्रेड को अच्छी तरह से ढक दें और खूब सारे वेजिटेबल्स ऐड करें। वेजिटेबल से पूरा इसको रैप कर दें। ये देखिए, जहाँ आपको ब्रेड दिख रहा है आप उसे बैटर से कवर कर दें। इस समय हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। अगर ये ज़्यादा जल रहा है तब आप फ्लेम को लो भी कर सकते हैं और बीच में ऐसे ऑयल स्प्रेड करें। ऑयल इसमें हम हल्का सा ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा भी ना लें, नॉर्मल ऑयल लें। थोड़ी देर तक सिकने के बाद अब इसको एक स्पैचुला से पलटेंगे। उसके ऊपर हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब इसे बहुत ही सावधानी से पलट लें। ये देखिए, ये हल्का हल्का ड्राई होने लगा है तो पलटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पैचुला के हाथ से इसको पलटें। ये देखिए, ऐसे उठाएं हल्का सा हाथों से और फिर इसको ऐसे पलट दें और ऊपर ऑयल ज़रूर लगाएं। ऐसे प्रेस करते हुए हमें इसको सेकना है। इस साइड भी हम बैटर ऐड करेंगे सब्जियों के साथ। हम सब्जियां इसमें खूब सारी ऐड करती हैं। और जो ब्रेड ऐसे दिख रहा है उसको पूरा ऐसे ढक दें। इस नाश्ते में बैटर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बहुत ही अलग तरीके का नाश्ता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है और ये बहुत हेल्दी है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। बीच में अगर ये आपको जल रहा है तब आप फ्लेम को लो कर सकती हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जलने लगता है जिससे देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा, जला जला सा लगेगा। और ऊपर ऑयल ऐसे ऐड करें और थोड़ी देर तक सिकने दें जब तक इसका कलर नीचे से हल्का चेंज ना हो जाए। हल्का सिकने के बाद अब स्पैचुला की हेल्प से हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो निकला है बैटर उसको आप चाहें तो हटा सकते हैं। स्पैचुला के हाथ से बहुत ही सावधानी से पलटें। ये देखिए, कितना परफेक्ट कलर आया है। हमने एक ही साइड तिल लगाया है, आप चाहें तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। और किनारे के साइड जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हटा सकते हैं आप, जिससे ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाए, जिससे ये बिल्कुल सैंडविच जैसा दिखे।
हमने बिना ब्रेड की सैंडविच भी चैनल पे शेयर की हुई है, आप उसे भी ट्राई करें। ये देखिए हटाने के बाद इसका शेप कितना परफेक्ट आ रहा है और ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। दोनों साइड हल्का गोल्डन कलर का होने तक सेकें और बीच बीच में हल्का हल्का ऑयल लगाते रहें जिससे कि कच्चा ना रह जाए। ये देखिए कितने बढ़िया से सिक रहा है और हल्का हल्का स्पैचुला से प्रेस भी करते रहें। ऐसे ही सिकते हुए हमें सारा बनाना है। आप चाहें तो इसको साइड में करके दूसरा भी इसी पे बना सकते हैं, एक साथ हम कई सारा बना सकते हैं। ये देखिए अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी हो गए हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। हम इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। सर्व करने के बाद अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं कि कितना बढ़िया और कितने ईजली ये कट हो जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल सैंडविच जैसा लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।